अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ट्रैवल पाकिस्तान की नई एपिसोड में खुश आमदीद। इस एपिसोड में हम आपको शरान फॉरेस्ट की तरफ जाते हुए गाइड करेंगे कि शरान फॉरेस्ट कैसे इजीली पहुंचा जा सकता है। सबसे पहले हम अपनी कन्वेंस पे इजीली हम पारस की तरफ जाएंगे। पारस कागान वैली से कुछ किलोमीटर पहले और किवाई से जहाँ से शुगरान की तरफ जाते हैं उससे थोड़ी सी ही कोई 5 मिनट के फासले पर पारस आ जाता है। पारस से आगे 4x4 ट्रैक है, यहाँ से आपको जीप भी मिल जाएगी। अगर अपनी 4x4 है तो और आप एक अच्छे ड्राइवर हैं तो आप इजीली शरण फॉरेस्ट पे पहुँच सकते हैं। शरण फॉरेस्ट जाने के लिए जब आप जीप करेंगे, जीप ऑलमोस्ट 4000 to 6000 तक मिल जाएगी। ये वेरी करता है, डिपेंड्स अपॉन कि आप रश डेज में जा रहे हैं या नॉर्मल डेज में जा रहे हैं। तो 4000 से 6000, और अब जैसे पेट्रोल महंगा हो गया तो उम्मीद है कि 7000 तक भी पहुंच चुका होगा। तो सब इसके लिए आपने जीप ट्रैक लेने के बाद आप इजीली शरण फॉल्स की तरफ जा सकते हैं। रास्ते में शुरू में तो ज़रा डस्टी एरिया है, तो कोशिश करें कि बंद जीप ही आप लें। तो अगर आप यहाँ से जाएंगे तो रास्ते में पहला गांव आएगा पेला पारस, ये लेफ्ट साइड पे, ये भी बहुत खूबसूरत गांव है पेला पारस। यहाँ खड़े होकर आप फोटो शूट कर सकते हैं। तो शरण फॉरेस्ट जाते हुए एक बात बहुत अच्छी है कि यार यहाँ जाते हुए एक रास्ते के जो व्यूज़ आते हैं रास्ते में, जो जंगलात और खूबसूरती रास्ते में देखने आती है, मंजिल से बहुत ज़्यादा है। इसी तरह एक शायर ने कहा है कि मंजिलें हमेशा बहादुरों का इस्तकबाल करती हैं जनाब, बुज़दिलों को तो रास्ते का डर ही मार देता है। तो नेक्स्ट यही है कि आप अगर अच्छे हिम्मत वाले इंसान हैं तो आप इन इलाकों में जाएं, खूबसूरती को एंजॉय करें। अल्लाह ताला निगहबान है, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करने वाला है। तो जाएँ, अल्लाह खैर वाफियत के साथ आपके सफ़र पूरा करें। तो पहाड़ों में जाने की एक बात ही अलग, जो कुछ मर्जी कर लो। अब यहाँ थोड़ी देर हमने जीप का स्टे करवाया, ये थोड़े से व्यूज पिक्चराइज किए। यहाँ एक अखरोटों के दरख्त काफ़ी रास्ते में आपको मिलेंगे। हम ये मई लास्ट और जून के स्टार्ट डेज में गए थे, तो अभी तो ये कच्चे थे, ये सितंबर अक्टूबर में जाके ऑलमोस्ट रेडी होते हैं। तो ये बेहतरीन खूबसूरत जगह है। जैसे एक वो एक शायर ने कहा है कि सैर कर दुनिया की गाफिल के जिंदगानी फिर कहाँ, सैर कर दुनिया की गाफिल के जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी अगर रह भी गई जवानी फिर कहाँ। तो ये भैया नेचर को देखें, दुनिया में घूमें, खूबसूरत अपने सबसे पहले। मुझे बहुत से लोग कहते हैं यार इस मुल्क में जाओ, मगर मैं कहता हूँ यार जब हमारे अपने मुल्क के स्पॉट्स ही हम सारे नहीं देख चुके तो फिर दूसरे मुल्कों के स्पॉट्स देखने का क्या फ़ायदा। पहले अपने मुल्क की खूबसूरती तो डिस्कवर कर लो, खूबसूरती देखो, तो बेहतर है अपने इलाके की ब्यूटी को, नेचर को देखा जाए। नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर कोई हमारे इधर ट्रैवलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और वैसे रहाइश का कोई इतना खास नहीं है, पर जो नेचुरल ब्यूटी का मज़ा है वो सही है कि आप इसी तरह कच्चे रास्तों पर और इस तरह और नेचर को एंजॉय करें। अक्सर जगहों पर हमें मुश्किल से दूसरी जीप को ये थोड़ा सा स्पॉट देखेगी और फिर दूसरी जीप, तो इसी तरह के बिल्कुल ही शरण फॉरेस्ट तक तो आप इजीली फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, ग्रीनरी को पसंद करते हैं, कोई वो पब्लिक वैसा कुछ नेचर को आप लाजमी।
चलते हुए फारा जाते हुए रास्ते में बहुत से प्राइवेट पॉट्स भी मिलेंगे, ऑलमोस्ट 3,000 टू 6,000 तक रूम्स एंड पॉट्स अवेलेबल हैं। ये एक रास्ते में जाते हुए एक प्राइवेट पॉट्स, यहाँ हम कुछ मिनट के लिए रुके। यहाँ जो पॉट्स हैं जो आपको राइट साइड पर नज़र आ रहे हैं, 6,000 और बाकी रूम एक रूम वो आपको। इसी तरह आगे जो जो आगे जाते जाते जंगलात मजीद खूबसूरती एक खूबसूरत आवाज एक चलने की आवाज़ खूबसूरती का अपना ही एक नज़ार है इधर। तो एंजॉय करें आप ये वीडियो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। इसके साथ एंड में एक वीडियो लिंक कर रहा हूँ जो शरान फॉरेस्ट से मनशी टॉप तक की हाइकिंग का वीडियो है, तो काइंडली वो भी ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब चैनल लाजमी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। और ये हमारा एक दोस्त है, इसको रैंप वॉक करने का बहुत शौक है। ये है शरण फॉरेस्ट, दुआ में याद रख।